सोलन में एक युवक जो विदेश में मर्चेंट नेवी में कार्यरत है, वे वहां से छुट्टी लेकर सोलन पहुंचा है, जिसमें खांसी, जुकाम और कुछ लक्षण ऐसे पाए गए हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर पाए जाते हैं। इसलिए इस युवक को एहतियात के तौर पर पृथक वार्ड में रख दिया गया है, जिससे अब आवश्यक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने की है। सोलन में एक युवक जो विदेश में मर्चेंट नेवी में कार्यरत है, वहां से छुट्टी लेकर सोलन पहुंचा, जिसमें खांसी, जुकाम और कुछ लक्षण ऐसे पाए गए हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर पाए जाते हैं। इसलिए इस युवक को एहतियात के तौर पर पृथक वार्ड में रख दिया है, जिससे अब आवश्यक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने की है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला है कि युवक विदेश से आया है, उसके परिवार का सभी रिकॉर्ड ले लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक 24 साल का है और मलेशिया और कुछ और देशों से होते हुए भारत में आया है, जिसमें खांसी, जुकाम के लक्षण है, जिसके आवश्यक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। युवक को पृथक वार्ड में रख दिया गया है। प्रारंभिक उपचार पीड़ित को दिया जा रहा है। देर पहले एक 24 साल का युवक, जिसकी हिस्ट्री साउथ कोरिया, मलेशिया वगैरह के जाने की है, और वो दो दिन पहले ही यहाँ इंडिया में पहुंचा है। उसमें उसको अभी बुखार, खांसी वगैरह आनी शुरू हुई है, तो हमने उनको आरएस सोलन के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया है और उनके टेस्ट वगैरह जो है वो हमने शिमला में भेज दिए। एहतियात के तौर पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? एहतियात के तौर पे जो आम जनता है वो जितना एक दूसरे से दूर रह सके वो ही बेटर है। जैसे नमस्ते करना, मतलब कि आप हाथ मत मिलाइएगा, नमस्ते ही कीजिएगा। और जैसे आदमी इसमें पार्क वगैरह में सारा दिन धूप सेकता था, बैठता था, गैदरिंग थी, उसको प्लीज अवॉइड करिए। आप अपने घरों में जितना देर रहेंगे वो ही सेफ है, और सिर्फ कोई आवश्यक काम हो तभी ही आप बाजार जाइए, वरना नहीं जाइए। और अगर आपको हल्की फुल्की बीमारी है, उसके लिए हॉस्पिटल की लाइनों में मत लगिए, वो आप टेलीफोन पर भी डॉक्टर से पूछ सकते। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। इसी के साथ देश प्रदेश पर जिला वासियों को एच टुडे चैनल के माध्यम से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचें, अपने हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। अगर किसी को खांसी है तो वो मास्क का भी प्रयोग करें। अगर किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो डरे नहीं बल्कि डॉक्टर की सलाह लें। और अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से सजग रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम। नमस्कार।